नमस्ते, आज हम बनाएंगे हनी चिली पटाटो। अभी कोरोना के चलते हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह नहीं जा पा रहे हैं, पर रेस्टोरेंट स्टाइल का खाना खाने का मन तो सभी का करता है। तो चलिए रेस्टोरेंट स्टाइल का एक डिश हम घर में ही ट्राई करते हैं। तो बनाते हैं हनी चिली पटाटो। हनी चिली पटाटोज बनाने के लिए हमने 4 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, उनको अच्छे से धोकर छील लिया है। अब हम इस तरह से उनको पतला लंबा काट लेंगे, जिस तरह से हम फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं उस तरह से। इनको हम 10 मिनट के लिए फ्रिज के ठंडे पानी में भिगो देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, हमने इसमें से सारा पानी निकाल दिया है। अब हम इन आलू में 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और आधा चम्मच नमक डालकर अच्छे से मिला लेंगे। सब पे कोटिंग हो गई है अच्छे से कॉर्नफ्लोर की। अब एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल गरम हो गया है, थोड़े थोड़े करके हम ये सारे आलू डालेंगे। इनको हमको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से ये लाइट ब्राउन कलर आ जाए तो हम इनको निकाल लेंगे। धीरे धीरे करके सारे आलू फ्राई कर लेंगे। बच्चे तो इसको ऐसे भी बहुत शौक से खाएंगे। आइए अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमको चाहिए आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच सफ़ेद तिल यानी सेसमे सीड्स, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 से 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 शिमला मिर्च पतली लंबी कटी हुई, 2 चम्मच हनी, थोड़े से स्प्रिंग अनियंस वो हमको गार्निशिंग में चाहिएंगे, आधा चम्मच रेड चिली सॉस, 2 चम्मच हमको चाहिए टमाटो केचप, आधा चम्मच सोया सॉस और 1 इंच अदरक का टुकड़ा कसा हुआ। एक पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, वो गर्म होने पर हम उसमें तिल डाल देंगे। तिल डाल के थोड़ा हल्का सा चलाएंगे और उसमें फिर हरी मिर्च और साथ ही शिमला मिर्च भी डाल देंगे। इनको हमको ज़्यादा नहीं पकाना है, शिमला मिर्च का क्रंच नहीं ख़त्म होना चाहिए। अब हम इसमें अदरक डाल देंगे और साथ ही रेड चिली फ्लेक्स, नमक, लाल मिर्च, सोया सॉस, रेड चिली सॉस और टमाटो केचप, ये सब डाल के इसको अच्छे से आधे से 1 मिनट के लिए ही पकाएंगे। अब हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर कर आधे कटोरी पानी में मिलाकर डाल देंगे और थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। इसमें हम आलू डाल देंगे, जो फ्राइड आलू हैं वो, और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गए हैं ये। अब इसमें हम हनी डाल देंगे और फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इनको स्प्रिंग अनियन से गार्निश कर देंगे। तो लीजिए तैयार है हनी चिली पटाटो। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए, उससे आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू।